नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, शेखावाटी यूनिवर्सिटी की जो मैंने पहले एक वैकेंसी के लेकर वीडियो बना दिया है, टीचिंग स्टाफ के लेकर प्रोफेसर की जो है पोस्ट लगभग 27-28 है। साथ ही जो है आपके ऑफिसर्स की भी है, उसमें 5 से 6 पोस्ट है। वो आपको टेलीग्राम पर उनकी PDF भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये जो है नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, ठीक है। इसमें आपको देखना है कितनी जो है क्या पोस्ट है। यहाँ पर देख सकते हो टोटल 29 पोस्ट है शेखावाटी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। नॉन टीचिंग स्टाफ है आपके लिए, और यहाँ पर आपको जो है लेवल पे यहाँ पर देख सकते हो लेवल 5 की जो है आपको वेतन दिया जाएगा, और ग्रेड 24, ठीक है। और यहाँ पर आप के फॉरम स्टार्ट है, मैं बता देता हूँ 11 मार्च से, ठीक है। 11 मार्च से आपके फॉरम स्टार्ट है, और जो है आपकी लास्ट डेट यहाँ पर आप देख सकते हो 10 अप्रैल जो है लास्ट डेट होने वाली है, ठीक है। इसके बाद जो है आपके एक एक जो है पोस्ट के लिए पोस्ट देख सकते हो कि इनमें कितने हैं। सामान्य के लिए जो है 9 है, सामान्य महिला के लिए 2 है, विधवा के लिए 1। ये जो है आपके डिवाइड की गई है, ये आपके कनिष्ठ लिपिक के लिए है, ठीक है। ये कनिष्ठ लिपिक जो है आपके देख सकते हो पोस्ट सभी एक एक जो है डिटेल आपको बताऊं। इसमें योग्यता देख सकते हो 10+2 आपके होने चाहिए, ठीक है। 12वीं होनी चाहिए, साथ ही जो है आपके जो है या फिर जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक विभाग, ठीक है। इसमें जो है आपके ओ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको कंप्यूटर ऑपरेटर व प्रोग्रामिंग सहायक COPA आपके होने चाहिए। राष्ट्रीय राज्य वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट आपका पास होना चाहिए, या फिर जो है ठीक है RKCL आपके पास होना चाहिए। ये जो है आपके दिया हुआ है, साथ ही इसमें चयन किस प्रकार होगा ये भी बता देता हूँ आपको। कनिष्ठ लाइव पहले जो है आपकी लिखित परीक्षा होगी फर्स्ट फेज़ में, उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा सेकंड फेज़ में, ठीक है। उसके बाद लिखित परीक्षा के में समान अंक प्राप्त होने पर जो है 10वीं 12वीं में जो है जिनके अधिक अंक 12वीं में जिनके अधिक अंक है उनको वरीयता दी जाएगी, और 12वीं में भी यदि किसी के समान अंक है तो आपको जो है एज के अनुसार जो है वरीयता दी जाएगी, जिनकी ज़्यादा एज है उनको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। फर्स्ट फेज़ में आपके जो है सिलेबस क्या रहने वाला है, इसमें देख सकते हो 19% होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा फर्स्ट, ठीक है। 33% जो है GK के होंगे, 33% आपके विज्ञान के होंगे, 34% गणित के होंगे, ठीक है। और जो है कुल 100% होंगे, इसमें 2 घंटा आपको लगने दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा पत्र है, दूसरा प्रश्न पत्र है, ये भी आपके 300 अंकों का होगा, ठीक है। 50% है हिंदी के होंगे, 50 अंग्रेजी के होंगे, 100% होंगे, ठीक है। 2 घंटे का समय होने वाला है। उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हो आप जो नियम वगैरह हैं, 40% न्यूनतम जो है आपको लाने होंगे, और 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, उसके बाद जो है मेरिट बनेगी, ठीक है। हिंदी व अंग्रेजी में टाइपिंग में 10 मिनट का कुल 200 अंक जो है आपको 100 हिंदी के 100 अंग्रेजी के जो है टेस्ट होगा, जो है टाइपिंग उसमें 36% आपको लाना ज़रूरी होगा, ठीक है। उसके बाद जो है पेपर रेट देख सकते हो आप 2400 जो है ये जो है लेवल 5 की आपको देने वाले हैं पेमेंट। कनिष्ठ लिपिक पर दे तो आयु यहाँ पर आप देख सकते हो 18 से 40 वर्ष आपके होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है आपको कंप्लीट मैंने बता दी है, और साथ ही जो है नए और नीचे आपके परीक्षा शुल्क देख सकते हो। OBC जनरल के लिए 1000 रुपये है, बाकी जो है SC ST के लिए 500 रुपये है, और दिव्यांगजनों के लिए 100 रुपये आपकी फ़ीस फॉरम फ़ीस रहने वाली है। बाकी जो मेन पॉइंट है मैंने आपको बता दिया। फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और जो जिन्होंने भी पहले फॉर्म भरा था 2022-23 में वो निरस्त कर दिया गया है, तो उनके लिए पेमेंट वापस के लिए जो मैंने वीडियो बनाया उससे पहले उसमें बताया कि किस प्रकार आपको रिफंड लेना है, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।